हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल ऑल इन वन नॉलेज। कल से भारत बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच 3 मुकाबलों की ओडीआई श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसका पहला मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई में। बट चेन्नई का जो वेदर फोरकास्ट कंडीशन बताया गया है, वहाँ पे डार्क स्काइज है, या इसका मतलब आप देख सकते हैं कि चेन्नई में कल बारिश के आसार बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक बात की जाए तो जो टीम पहले टॉस जीतेगी और वो जो क्लाउडी कंडीशन में पहले चाहेगी कि बॉलिंग करे, तो गाइस जो भी टीम पहले गेंदबाजी करेगी उसके लिए एडवांटेज रहेगा। अब आइए बात करते हैं, जहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि माय टीम 11 और ड्रीम 11 में आपके कौन से बेस्ट 11 प्लेयर होने चाहिए, उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा फ्रॉम बोथ द टीम। और जहाँ तक बात की जाए कि इंडिया बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रही है, हालाँकि उन्होंने जो रिसेंटली एक T20 मुकाबला हुआ था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, 2-1 के मार्जिन से जीत लिया था, तो कल का जो ओपनिंग मुकाबला होगा उसमें भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। हालांकि वेस्ट इंडीज़ टीम एक बहुत ही अच्छे पावर हिटर है उनके पास, जहां तक बात की जाए शाहब जैसा एक अच्छा एक बल्लेबाज है, जहां पर रॉस्टन चेस है, जहां पर जेसन होल्डर जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर है, तो गाइज अच्छा एक टीम कॉम्बिनेशन है वेस्ट इंडीज़ के पास भी। तो गाइज कल का मुकाबला एक रोमांचकारी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर सजेशन मेरा अच्छा लगेगा ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ के पहला सेक्शन है हमारा, जहाँ पर विकेट कीपर को हमको सिलेक्ट करना है, जहाँ पर हमारे पास 3 चॉइस है, जहाँ पर ऋषभ पंत है, निकलस पुराना है और शाय होप है। बट गाइज मैं आपको कहूँगा कि इन तीनों में से जिसको अपने पिक करना है वो है शाय होप, जो कि नंबर 3 के बल्लेबाज है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म से एक ओडीआई में खेलते हैं, जिनका एक एक बेहतरीन फॉर्म से वो अपने गुजर रहे, तो हमने पिक करना है शाय होप को, जो कि बेहतरीन एक बल्लेबाज है। बात की जाए प्रॉपर बैट्समैन की, जहाँ पर हमको 3 से 5 बैट्समैन पिक करने हैं, जहाँ पर भारतीय बल्लेबाज, जहाँ पर आप देख सकते हैं मनीष पांडे है, लोकेश राहुल है, हालांकि रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो रोहित शर्मा, जो कि एक वनडे के एक बेहतरीन बल्लेबाज है, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर भी है, जो कि मिडल ऑर्डर संभाल रहे हैं, जहाँ पर विराट कोहली है, जहाँ पर लोकेश राहुल है, हालांकि शिखर, जो कि आप देख सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार, जो कि इस सीरीज से मतलब अपने ड्रॉ रूल्ड आउट हो गए, तो जहाँ पर उनकी जगह पर मयंक अग्रवाल आए हैं, हालांकि मयंक अग्रवाल के खेलने के चांसेस बहुत कम है। जहाँ तक मैं आपको कहूँगा, जहाँ पर हमने 3 बल्लेबाजों को पिक करना है, वहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि रोहित शर्मा को हमने पिक करना है, जहाँ पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन 3 भारतीय बल्लेबाजों को पिक करना है। बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो उनके एवन लुइस है, जिनको थोड़े से नी इंजरी हो चुकी है, तो कल के मुकाबले में खेलने के उनके चांसेस थोड़े कम हैं, तो उनके जगह पर हो सकता है कि सुनील एम्ब्रिज, जो कि एक बल्लेबाज है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सिमरन नेटमायर है, किंग है, जहाँ तक हमने पिक करना तो मैं आपको कहूँगा सिमरन नेटमायर, जो कि बहुत ही बढ़िया खेलते हैं और एक मिडल ऑर्डर को अच्छा उनके नींव रखते हैं। अब आते हैं प्रॉप, जहाँ पर हमने एक और बल्लेबाजों को भी पिक करना है, तो मैं आपको कह सकता हूँ आप लोकेश राहुल को भी पिक कर सकते हो, क्योंकि लोकेश राहुल जो कि पिछले 3rd मुकाबले में बहुत अच्छा 2020 में खेल रहे थे, तो लोकेश राहुल को भी आप पिक कर सकते हो। अब आते हैं ऑलराउंडर की तरफ, जहाँ पर शिवम दुबे हो सकता है कल के मुकाबले में खेले, जहाँ तक रविंद्र जडेजा और केदार जाधव के बीच थोड़ा सा एक टीम मैनेजमेंट को चांस लेना होगा कि दोनों में से किसी एक को खिलाए। बट जहाँ तक बात की जाए, जो केदार जाधव है बहुत ही अरसे के बाद खेल सकते हैं टीम में, जो कि इंजर्ड थे। केदार जाधव जो कि बॉलिंग में भी आपको ऑप्शन देते हैं, हालांकि रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन फील्डर भी है और एक अच्छे गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बट एज अ प्रॉपर बैट्समैन मैं आपको कहूँगा कि केदार जाधव के चांसेस खेलने के ज़्यादा है। जहाँ तक ऑलराउंडर सेक्शन में बात की जाए, तो वेस्ट इंडीज़ के पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर, जहाँ पर रॉस्टन चेस है, जहाँ पर कायरन पोलार्ड, जेसन होल्डर जैसे एक अच्छे एक मंझे हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी है, तो गाइस रॉस्टन चेस जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जो कि अच्छा ऑफ ब्रेक डालते हैं और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं अगेंस्ट इंडिया, बहुत ही बहुत बढ़िया खेल लेते हैं। बात की जाए और 2 ऑलराउंडर की, जहाँ पर मैं आपको कहूँगा जेसन होल्डर हमने पिक करना है, और अगर केदार जाधव और रविंद्र जडेजा में से कोई एक खेलता है उसको पिक करना, मैं आपको कहूँगा मैं अभी केदार जाधव को पिक करूँ। जैसे कि मैंने कहा एक प्रॉपर बल्लेबाज खिलाना, तो हमको केदार जाधव को खिलाना होगा।
अब आते हैं प्रॉपर बॉलर्स की तरफ, जहाँ पर बॉलर्स में आप देखोगे भुवनेश्वर कुमार जो कि इंजर्ड और रूल्ड आउट हो चुके हैं, तो उनकी जगह पे मयंक अग्रवाल ले चुके हैं। तो मयंक अग्रवाल के चांसेस कम ही है जहाँ पर हमने बल्लेबाजों में से 3 बल्लेबाजों को पिक किया है। अब आते हैं गेंदबाजों की तरफ, जहाँ पर वेस्टइंडीज़ के पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है, कैरी पेरी, उनके पास कीमो पॉल है, हेडन वॉल जूनियर है जो कि अच्छा T20 में डाले थे गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण है उनके पास, अलजारी जोसेफ जैसा एक अच्छा और एक ऊंचा कद का खिलाड़ी है, शेल्डन कॉटरेल जैसा एक अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर है। तो गाइस हमने अभी यहाँ पर 4 गेंदबाजों को पिक करना है। जहाँ तक बात की जाए कुलदीप यादव जो जिन्होंने तीसरे मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, दीपक चार भी अच्छे स्विंग के साथ गेंदबाजी करते हैं, बट मैं आपको गाइस कहूँगा कि मोहम्मद शमी अगर वो कल के मुकाबले में खेलते तो मोहम्मद शमी को हमने पिक करना है। वेस्टइंडीज़ की तरफ से बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर शेल्डन कॉटरेल जैसा एक अच्छा गेंदबाज जो कि गेंद दोनों तरफ एक स्विंग कराता है स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंट में, अगर वेस्टइंडीज़ पहले गेंदबाजी करता है तो शेल्डन कॉटरेल को ज़रूर अपने टीम में रखिएगा। जहाँ तक बात की जाए आप देख सकते हैं शार्दुल ठाकुर को भी एक न्यू एडिशन किया गया है जो कि इंजर्ड भुवनेश्वर कुमार की जगह पर आए हैं। अब बारी आती है हमने किसी एक को पिक करना है, तो जहाँ पर हेडन वॉल जूनियर जो कि अच्छी गेंदबाजी की थी उनको हमने पिक करना, अच्छे लेग ब्रेक हैं। जहाँ तक बात की जाए अभी भारतीय स्पिनर्स में से तो हम गाइज कुलदीप यादव और जो कुलचा यानी युजवेंद्र चहल की जोड़ी, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है। अगर कंपेयर किया जाए तो युजवेंद्र चहल एक अच्छे गेंदबाज साबित हुए हैं अभी भी ODI में भी, हालांकि कुलदीप भी अच्छा वेरिएशन करते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि युजवेंद्र चहल को हमने पिक करना है एज अ गेंदबाज जो कि इंडिया की तरफ से। और ये हो गया हमारे 11 प्लेयर, जहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा प्रीव्यू। अब आते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो सेक्शन है, जहाँ पर हमने पिक करना वाइस कैप्टन और कैप्टन को। तो कैप्टन के लिए आपको चॉइस कहूँगा कि अगर इंडिया बल्लेबाजी करती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों में से आपको किसी को भी कैप्टन करना है। और अभी वाइस कैप्टन के लिए आपको कहूँगा कि अगर वाइस कैप्टन आपको करना है तो रॉस्टन चेस और शाय होप, इन दोनों में से किसी को भी आप वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो गाइस फिर से कहूँगा कैप्टन के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन कर सकते हो, माफ़ कीजिएगा कैप्टन कर सकते हो, और वाइस कैप्टन के लिए शाय होप और जो कि रॉस्टन चेस है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये है जो कि कल पहला मुकाबला खेला जाएगा ODI का भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ के बीच, उसके लिए मेरा मैच प्रेडिक्शन। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो के नीचे, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।